किचन में बन रहे हैं पराठा रोल, चिकन पराठा रोल, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त और बहुत लेयर वाले पराठे। आप इसको ज़रूर बनाएं और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पता लगे ये किस तरह बने हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। स्टाफ में आपको वेलकम। तो आज जो है हम बना रहे हैं पराठा रोल, चिकन पराठा रोल, तो उसके लिए मैंने जो ये बोनलेस चिकन दिया है तकरीबन हाफ के जी के करीब, इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट, हाफ टी स्पून में सॉल्ट डाल दूंगी और चिली फ्लेक्स डालेंगे हम साबुत, रेड चिली 1 टी स्पून वो डाल दूंगी, जितनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। टिक्का बोलती है मसाला, ये मैंने घर में ही बनाया हुआ, तो ये हम लेंगे 1.5 टी स्पून का धनिया पाउडर, 1 टी स्पून विनेगर जो है वो हम लेंगे 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो डालेंगे ऑलिव ऑयल, और इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। तो इसको मैरिनेट करके हम आधे घंटे के लिए या इसे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा, हम इसको मैरिनेट करके रख लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चटनियाँ जो है वो मैं 2 किस्म की बनानी है, एक ग्रीन चटनी और एक इमली की चटनी। इमली की चटनी की जो रेसिपी है वो मैं चैनल पे दे चुकी हूँ, ग्रीन चटनी की भी। तो इस तरह से मैरिनेट करके रख लेंगे, अब आटा गूंदेंगे। देखिए जी, ग्रीन चटनी हम बनाएंगे, 1 मुट्ठी मैंने धनिया लिया है और 1 मुट्ठी ही मैंने फ्रेश पुदीना लिया है। तो इमली की चटनी मैंने बना के रखी हुई है और इसका जो है वो मेरे चैनल पे आप जाके इमली की चटनी देख सकते हैं। ये क्योंकि ये फ्रेश चाहिए थी तो इसलिए मैं फ्रेश बना रही हूँ। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 टी स्पून सॉल्ट, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/4 टी स्पून, डाली है 5 से 6, तो इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालते हैं इतना कि जिसमें ये ग्राइंड हो जाए। हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, हमने ग्राइंड कर लिया, इसको हम निकाल लेते हैं, अब आटा गूंद लेंगे। हाँ जी, तो 2 कप जो है वो मैंने आटा लिया, इसमें 1/2 टीस्पून हम डालेंगे शुगर और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। टू टेबल स्पून हम डालेंगे ऑलिव ऑयल और इसको हम गूंद लेंगे, इसको पहले मिक्स कर लें, इसको हम सही तरह से गूंद लें। इसको डो को ना बहुत सख्त रखना है और ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है, तो डो को हम गूंद लेंगे, जितने हमने बनाने हैं हम जो है वो रोल बना लेंगे। तो इस तरह से सारे आटे को हम गूंद लें। देखिए जी, इस तरह से हमने डो को गूंद लेना, और हम इसको ऑलिव ऑयल लगा लेते हैं और इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो हम चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो हम 3 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल डालते हैं और इस चिकन को हम इसके अंदर पका लेते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, विनेगर की, मसाले, इस तरह से सारे हम चिकन को पका लेंगे। फिर हम बनाएंगे, उसी देर में आटा भी हमारा हो जाएगा तो हम इसके पराठे बनाएंगे, क्योंकि हम पराठा रोल बना रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो पराठा रोल बनता है। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपके बच्चे बहुत लाइक करेंगे।
हम इसको हल्की आंच पे 5 मिनट इस साइड से पकाएंगे और 5 मिनट दूसरी साइड से। देखिए बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, तो एक हम चेक करते हैं, अभी नहीं हुआ है, इसके भी हम साइड ऐसे ही रखेंगे। 6 मिनट हो गए, तो इसकी साइड जो है हम चेंज कर देंगे इस तरह से सारी चिकन की, और दूसरी साइड से भी हम इसको बड़ा टेंडर सा पकाएंगे। साइड हमने चेंज कर दी, अब हम इस साइड से हो गया, दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे 6 से 7 मिनट, फिर हम इसको उतारेंगे। जैसे गोश्त है वो हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल हो चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे जी। तो अब हम जो है वो पराठे बना लेते हैं। हम इस तरह से पेड़े लेते जाएंगे। आपने बड़ा पराठा बनाना है तो आप बड़ा बना लें। ये देखिए इस तरह से हम पेड़ा लेंगे और इसको पेल लें। ड्राई आटा लगा लें, और घी के साथ पराठे बनाएं तो बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। सारी तरफ इसके ऊपर हम आटा छिड़क देंगे। देखिए इस तरह से जी, इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। इस सारे हम कटिंग करके ये बहुत अच्छा जो है हमारा पराठा, देखिए इस तरह से। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने जो है वो पेड़े बनाए हैं, तो इसको हम बेल लेंगे। ये मैंने 5-6 मिनट जो वो पेड़े बना के 10 मिनट भी आप 10-20 मिनट रखे तो ये बहुत ज़बरदस्त किसकी जो लेयर है वो बन जाएंगी। और इस तरह से आप पराठे को बेल लें और सारे पराठे जो है जितने आपको चाहिए आप बना के रखते जाए। देखिए जी इस तरह से सारे पराठे बनाते जाए। देखिए अब हम पराठे को जो है इस तरह डाली जाएंगे, तो साइडों पे घी लगा के देखिए कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त पराठे लेयर वाले हमारे बन गए। इस तरह से सारे पराठे जो है हमने बनाने हैं। मैं देसी घी से बना रही हूँ, आप नॉर्मल घी से भी बना सकते हैं। मेरे पास देसी घी था तो मैं इसकी बना रही हूँ। तो आपने हल्की आंच पे जो है इसको बनाना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। एक साइड से हम थोड़ा सा रेड कर लें। इस तरह से हम सारे पराठे जो है वो बनाते जाएंगे। देखिए जी इस तरह से हमारा बहुत मज़े का लेयर वाला ये देखें, और बहुत क्रिस्पी जो है हमारा, देखिए माशाल्लाह से किस तरह से लेयर जो है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह से हमने सारे पराठे जो है वो बना लेने जी। तो सारे पराठे जो है वो हमारे रेडी हो गए हैं, अब सिर्फ जो है वो लास्ट वाला पराठा हमारा रह गया। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है लेयर है, इसको हम लास्ट पराठे को बना के फिर अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करें। ये तो ये लास्ट वाला जो हमारा पराठा रह गया, सारे माशाल्लाह से पराठे रेडी हो गए हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर इसकी आई है। तो ये हम लास्ट पराठा करके फिर इनकी फिलिंग करते हैं। तो सारे पराठे हमारे रेडी हो गए, ये भी हम लास्ट वाला उतार देते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी इमली की चटनी रेडी है, ये हमारी ग्रीन चटनी। प्याज काटे हैं मैंने,
ये पराठे बन गए हमारे, और ये देखिए हमारा चिकन जो है इस तरह से मैंने स्लाइसिस में कर लिया। ये मैं पराठा आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर है। तो इनकी अब हम करते हैं फिलिंग, इनको पीछे कर देते हैं चिकन को। एक हम पराठा लेते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रीन चटनी। इमली की चटनी से हम प्याज रखेंगे, चिकन हम इस तरह से डालते जाएंगे। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी चिकन कम डालें, जितना मर्जी ज्यादा डालें। इमली की चटनी आप और डाल दें, अगर आप और डालें तो और डाल दें, ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो ये ग्रीन चटनी भी और डाल दें। इस तरह से हम इसको बंद करते जाएंगे और हम इसको रखते जाएंगे। फिर अगला पराठा लेंगे। देखिए जी हमारे सारे पराठा रोल जो रेडी हो गए, ये मैंने तवे पे लगा दिए थे ताकि ये रेड हो जाए हल्के हल्के, क्योंकि ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ जी। तो हमारे जो है पराठा रोल, चिकन पराठा रोल रेडी हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की फीलिंग है इसकी, तो इसको ज़रूर बनाएं। ये देखें और कितनी लेयर वाला पराठा है हमारा, तो ये बच्चे बहुत लाइक करेंगे, बहुत गर्म है ये देखें। तो इसको ज़रूर बना कर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ये तो हमारे ज़बरदस्त जो है पराठा रोल रेडी हैं, तो काट के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी फीलिंग है, और इतना लेयर वाला जो हमारा ये पराठे बने हैं, देखिए बहुत मज़े की। तो इसको ज़रूर बनाएं और बनाकर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।